तो भाई आज भी हम खबरों की शुरुआत करने वाले हैं सलमान खान से, क्योंकि वो इन दिनों खबरों में छाए हुए हैं। उनकी फिल्म ट्यूबलाइट का प्रमोशन जोर दूर तरीके से अलग अलग जगह चल रहा है, तो वहीं उनकी सुल्तान को लेकर भी अब एक अच्छी खबर आई है। आखिर क्या है सलमान से जुड़ी ये तमाम खबरें, आप तो जानना चाहेंगे, तो चलिए देख लीजिए ये रिपोर्ट। सलमान खान आजकल अपनी कंपनी बीइंग ह्यूमन की साइकिल और फिल्म ट्यूबलाइट को प्रमोट करने में जोर शोर से जुटे हैं। अपनी इलेक्ट्रिक साइकिल पर सवार होकर सलमान खान शाहरुख के बंगले मन्नत की तरफ चल पड़े। मुंबई के बांद्रा इलाके में सलमान तेज रफ्तार से अपनी साइकिल दौड़ाते दिखे। साइकिल पर सवार होकर सलमान शाहरुख खान के बंगले मन्नत के सामने से गुजरे और वहां जोर से शाहरुख खान चिल्लाए। वहीं 23 जून को ट्यूबलाइट रिलीज के लिए तैयार है, लेकिन उससे पहले एक और खबर सामने आई है जो कि उनके फैंस को खुश कर देगी। इस खबर के साथ ये साबित हो गया कि सलमान के फैन सिर्फ देश में नहीं बल्कि विदेशों में भी भरे हुए हैं। आपको बता दें, न्यूयॉर्क की फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन टाइम्स स्क्वायर में ट्यूबलाइट फिल्म का होर्डिंग लगाया गया है। अजीब बात, यही खत्म नहीं होती, ऐसा करने वाली ये पहली बॉलीवुड फिल्म बन गई है। टाइम्स स्क्वायर न्यूयॉर्क के लोगों की पसंदीदा जगह है, लोग इस जगह जाना बहुत पसंद करते हैं। वही खबर है कि फोक्स मैगजीन ने एक एनालिस्ट आर्टिकल में ये भी दावा किया कि सलमान की ये फिल्म इंडिया में 350 करोड़ से ऊपर का बिजनेस कर सकती है। साथ ही फिल्म पहले वीकेंड में 100 करोड़ की कमाई करेगी। ये फिल्म दुनिया के 50 देशों में करीब 9000 स्क्रीन्स पर रिलीज होने वाली है। इतना ही नहीं, फिल्म ट्यूबलाइट को ऑफिशियल चैनल गिफी पर लॉन्च किया जाएगा, जो कि पहले हॉलीवुड फिल्म बनेगी। आपको बता दें, गिफी दुनिया का सबसे बड़ा सर्च इंजन है, जहां एनिमेटेड और ग्राफिक फाइल्स पाई जाती हैं, और हॉलीवुड की बिग फिल्मों को इस चैनल पर रिलीज किया जाता है। अब यहां ट्यूबलाइट भी रिलीज होगी, जो बॉलीवुड के लिए एक बिग अचीवमेंट होगी। वैसे ट्यूबलाइट के पोस्टर की इमोजी भी बन चुकी है, और ये ऐसा करने वाली पहली इंडियन फिल्म बनी है। एक तरफ फैंस ट्यूबलाइट की रिलीज को लेकर बेहद एक्साइटेड हैं, तो वहीं दूसरी तरफ उनकी पिछले साल रिलीज हुई फिल्म सुल्तान भी एक बिग धमाका करने वाली है। दंगल के बाद अब सलमान की फिल्म सुल्तान चाइना में धूम मचाने के लिए तैयार है। खबरों की माने तो सुल्तान को 20th शंघाई फिल्म फेस्टिवल में दिखाया जाएगा। इस बात की जानकारी डायरेक्टर अली अब्बास जफर ने ट्वीट करते हुए दी है। अब ये फिल्म दंगल जितना धमाल मचाएगी या नहीं, ये तो हमें नहीं पता, लेकिन फिलहाल हर कोई ईद पर इंतजार कर रहा है जब सलमान की ट्यूबलाइट दस्तक देगी। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24।